हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 अप्रैल और प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पे हम लोग मनाने वाले हैं प्रकाश पर्व। और ये पर्व जो है पूरा देश मनाएगा। इससे पहले 22 मार्च को मोदी जी ने डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारियों के सम्मान में थाली एंड तालियां बजवाई थी, तो उसका भी मैं छोटा सा क्लिप इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये क्लिप जो है ये 22 मार्च का है। तो ये कोरोना के ख़िलाफ़ प्रकाश पर्व हम लोग मना रहे हैं और आज के पूरे दिन का मैंने व्लॉग बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना था, तो वही मैं जा रही हूँ और मास्क पहन लेती हूँ। तुम टीवी देखो, मैं भी झट से आ जाऊँगी मैं, ठीक है? तो गाइस, अभी मैं निकल रही हूँ, बस यही बगल में जाना है, यहीं के बगल में किराने की दुकान है और सब्जी वगैरह भी इधर ही मिल जाएगा, तो जा रही हूँ मैं। हाँ, चलोगे तुम नहीं जाओगे ना? जो भी सामान मैं लेकर आई हूँ उसे मैं धुल रही हूँ। तो यहाँ मैं गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ और गर्म पानी में थोड़ा सा नमक भी मिला रखा है मैंने। तो ये जो है ये भिंडी धुल रही हूँ, इसे धुल के मैं निकाल ही रही हूँ। और जो भी सामान पैकेट में था, जैसे कि हैंड वॉश वगैरह और बिस्किट वगैरह, इन सबको मैं पानी में थोड़ा सा हैंड वॉश डाल के फिर उसमें मैं सब धुली हूँ। इस तरह से क्लीन करने के बाद भी मैं जो ये सारी चीज़ें हैं मैं इन्हें 1-2 घंटे तक धूप में रखने वाली हूँ, उसके बाद ही मैं यूज़ करूँगी। तो इसे मैं धूप में रखने जा रही हूँ। और अभी जो है मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा था 1 या 1:30 बज रहे होंगे, तो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और रियांश को नींद नहीं आ रही है और मैं तो दिन में सोती ही नहीं हूँ, कभी कभी सो जाती हूँ, और आज तो ऐसे ही नींद नहीं आ रही है, बस 9 बजने का इंतज़ार है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम सारे भारतीय एक साथ एक टाइम पे 9 बजे और 9 मिनट के लिए हम सारे लोग एक साथ दिए जलाने वाले हैं और ये प्रकाश पर्व मनाएंगे। और ये जो प्रकाश पर्व है ये कोरोना के खिलाफ होगा, तो बस 9 बजने का इंतज़ार है। रियांश अभी मूड में है तो कुछ भी बोलवा बोल ले रहा है, ऐसा नहीं बोलता है जल्दी। और इसे 1, 2, 3, 10 तक आता है और ABCDE तक आता है। और एक पोयम भी आती है इसे, जॉनी जॉनी वाला, वो आता है। और इस साल इसे भेजना था प्ले स्कूल में, लेकिन इस बार तो नहीं, कोरोना आ गया, तो अब इसे अगले साल भेजूंगी। तो मेरा बेटा जो है 2 साल का हो गया है और इसे भी पता लग गया है कि हाँ, कोरोना कोई बुरी चीज़ है। रियांश हमेशा बोलते रहता है कोरोना को धोना है, कोरोना को धोना है, ऐसे ही बोलते रहता है। तो अभी जो है शाम के 4 बज गए हैं और मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। और रियांश के कपड़े मैंने चेंज किए हैं, वो कुछ ना कुछ गिरा देता है, ये 3री बार इसके कपड़े चेंज किए हैं मैंने। तो बस ये झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी। और आज मैं 9 बजे से पहले पहले डिनर भी बना लूँगी। तो लॉकडाउन की वजह से हम सब एकदम पैक हो गए हैं घर में, कहीं बाहर जाना नहीं। और मेरे हस्बैंड का तो बैंक खुला है, वो डेली जाते हैं, आज तो संडे था। लेकिन रियांश एकदम परेशान कर देता है बाहर जाने के लिए, बस कहता है बाहर घूमने के लिए।
लेकिन अब उसे भी थोड़ा सा आदत हो गया है घर ही में, तो उसके साथ ही मैं सारा दिन खेलती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए वीडियो भी मैं ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। हे गाइस, हाँ अभी बज रहे हैं 8:30 रात के, 8:30, और 9 बजे का वेट कर रही हूँ दिया जलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कई सारे दिए जलाने वाली हूँ। ये है मेरा मंदिर, तो मैं यहीं पे दिए जला रही हूँ और बाहर ले जाऊंगी जब 9 बज जाएगा तब। तो 9 बजे से पहले पहले ही सबने दिए जला दिए थे, हम लोग भी जला दिए और घर की सारी लाइटें बंद कर दी हैं, बस ये पोल की लाइट जल रही है। बच गया ना? बच गया ना? 9 बज गया और यहाँ कुछ लोग पटाखे वगैरह भी जला रहे हैं, और ये दिए और कैंडल्स जला के हम सब ये दिखाना चाहते हैं कि हम भारतीय कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक साथ खड़े हैं। और यहाँ मेरा बेटा जो है वो फ़ोटोज़ खिंचवा रहा है। मोदी जी ने बोला था 9 मिनट तक जलाने के लिए, लेकिन अभी 9:15 हो चुके हैं, तो अभी किसी ने भी घर की लाइटें नहीं जलाई हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर और लाइट जलाएँगे। तो मैं अपना ये व्लॉग जो है यहीं पे एंड कर रही हूँ और आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चलिए अब मैं मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।